उपायुक्त राकेश प्रजापति ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कांगड़ा जिला के बॉर्डर से बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिकों को ई पास पोर्टल का पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। अगर कोई नागरिक बिना पंजीकरण के प्रवेश करता है तो बैरियर पर ही पोर्टल में पंजीकरण करवाने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा। उपायुक्त कार्यालय परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति ने यदि कोविड आरटीपीसीआर परीक्षण नहीं करवाया है तो उसे अपने निवास स्थान पर 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। उनके पास घर आने के 7 दिन के बाद ही स्वयं परीक्षण करवाने का विकल्प भी होगा और यदि परीक्षण नेगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही जिन नागरिकों के 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी उनको क्वारंटाइन की शर्त से छूट मिलेगी, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले सभी नागरिकों को कोविड ई पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो कांगड़ा जिला के नागरिक बाहरी राज्यों में जाना चाहते हैं और 72 घंटे के भीतर वापस आते हैं उनको क्वारंटाइन की शर्त में छूट रहेगी। इसी तरह से बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिक अगर 72 घंटे के भीतर वापस लौट जाते हैं तो उनको भी क्वारंटाइन की शर्त में छूट रहेगी, लेकिन ई पोर्टल पर पंजीकरण दोनों ही स्थितियों में जरूरी है ताकि सभी नागरिकों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में अब कर्फ्यू रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगा, जबकि शनिवार और रविवार को पहले की तरह पूरी बाजार बंद रहेंगे। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कोविड 19 के पॉजिटिव मामले बढ़ने के कारण लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन की ओर से जिला तथा उपमंडल स्तर पर टास्क फोर्सों का गठन किया गया है तथा कोरोना पॉजिटिव नागरिकों की उचित देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि टीकाकरण अभियान भी उपयुक्त तरीके से चलाया जा रहा है। और डेथ्स भी उसी हिसाब से लगभग 5 से 10 के बीच में हो रही है। इस महीने में लगभग 5,000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं और लगभग 90 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। उसकी गंभीरता को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री का भी जिला कांगड़ा में दौरा हुआ था और जो नए बेड स्पेसेस हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, चाहे पपरोला के आयुर्वेदिक कॉलेज में हो, उसका उन्होंने दौरा किया और कल से लगभग 100 से ऊपर बेड की जो कैपेसिटी है वो जिला कांगड़ा में कोविड पेशेंट्स की ऐड की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से एक ऑर्डर आया था उसको लेकर मैं चाहता हूँ कि कोई असमंजस की स्थिति ना हो और ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुँचा पाऊँ कि जो लोग भी जिला कांगड़ा में कल से प्रवेश करने जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या प्रतिबंध रहेगा, किस प्रकार का अरेंजमेंट रहेगा और किस प्रकार से वो सुचारू रूप से जिला कांगड़ा में आ जा सकते हैं। पहला जो आदेश स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आया है कि रात के लिए जो हमने नाइट रिस्ट्रिक्शन लगाया था अब कोरोना कर्फ्यू लगाने के लिए आदेश दिया गया है, तो वो रात को 10 बजे से 5 बजे सुबह तक होगी। तो आज से जिला कांगड़ा में मंडे टू फ्राइडे रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू होगा। उसके अलावा जो सुचारू रूप से अपना कामकाज कर रहे हैं, जो ऑफिस चल रहे हैं, जो पिछला मेरा 144 का ऑर्डर था उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जहां तक बात रही सैटरडे और संडे की, जो वीकेंड है वो उसी प्रकार से चलेगा जिस प्रकार से पिछले हफ्ते चल रहा था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स कंस्ट्यूट करने की बात की गई थी, तो ऑलरेडी वो टास्क फोर्स कंस्ट्यूटेड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, सब डिविजनल लेवल पे, और हम PRIs के माध्यम से जो हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनका हम ध्यान रख रहे हैं। अब बात आती है जो इंटर स्टेट मूवमेंट है, तो इंटर स्टेट मूवमेंट किस प्रकार से होगा वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बड़े सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से लोगों की एंट्री जिला कांगड़ा में होगी और किस प्रकार की बाध्यता रहेगी और किस तरह से हम उसको हमारा जो ई पास सॉफ्टवेयर है कोविड का उसके माध्यम से फैसिलिटेट करेंगे। पहले तो जो लोग भी जिला कांगड़ा में एंटर कर रहे हैं, जो इंटर स्टेट बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं, इंटर स्टेट मतलब हमारा संसारपुर टेरेस बॉर्डर हो गया, उसके बाद जो हमारा रियाली के पास फतेहपुर के साथ लगता है, इंदौरा और हमारा जो कंडवाल का बैरियर है, बस इन चार सब डिविजन में जो इंटर स्टेट बैरियर है वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे एंट्री के लिए अगर पिछले 72 घंटे में कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट किसी के पास है तो उनको किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी
सिर्फ अपने कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर दें और सुचारू रूप से आ सकते हैं, उनको क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई हॉटस्पॉट से आ रहा है, जो पहले भी हमने बताया था, चाहे रिलीजियस प्लेसेस से आ रहा हो या कुछ ऐसे स्टेट से आ रहा हो जहाँ पर लोड बहुत हैवी है, जैसे दिल्ली हो गया या महाराष्ट्र हो गया या अन्य कोई राज्य हो गया जिसकी लिस्ट हमने ऑलरेडी पहले सर्कुलेट की हुई है, अगर वहाँ से आता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, अगर उसके पास पिछले 72 घंटे के अंदर की कोई रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है तो। और अगर वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन होता है तो भी उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि 7वें या 6ठे दिन अपना टेस्ट करा ले, और अगर नेगेटिव आता है तो क्वारंटीन से बाहर आ सकता है। तो इस प्रकार की बाध्यता रहेगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय था जिसके बारे में बहुत सारे कॉल्स हमारे कंट्रोल रूम में भी आ रहे हैं और आपके माध्यम से भी पूछा जा रहा है कि जो लोग पंजाब बॉर्डर पे हमारे एरिया में काम करते हैं उन लोगों के लिए किस प्रकार का अरेंजमेंट रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबको ई पास सॉफ्टवेयर में एक बार के लिए रजिस्टर तो करना है, लेकिन आने जाने के लिए अगर कोई अंदर बाहर से 72 घंटे के लिए अंदर आ रहा है और अपना काम काज करके बाहर जा रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है किसी प्रकार की क्वारंटीन और किसी प्रकार का उसको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए हिमाचल का कोई इंसान बाहर जा रहा है और किसी हॉटस्पॉट में जा रहा है, लेकिन जाकर वो 72 घंटे के अंदर बाहर अंदर आता है तो भी उसको किसी भी प्रकार का क्वारंटीन की जरूरत नहीं होगी। और सबको रजिस्टर करने की आवश्यकता है सिर्फ ई पास जो हमारा कोविड का है, उसके अलावा ये 2-3 जो कैटेगरीज हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि किसी ने वैक्सीनेशन करा रखी है, किसी ने जो बाहर से आ रहे हैं वो वैक्सीनेशन करा रखे हैं और उनका मिनिमम 14 दिन का पीरियड हो चुका है वैक्सीनेशन कराने के बाद से, उनको भी क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है जिला कांगड़ा में आने के बाद। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई 20 दिन पहले, 6 महीने से 20 दिन पहले तक अगर कोरोना पॉजिटिव रहा है, उसको भी आकर यहाँ पे क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4-5 कैटेगरीज थी जो मैंने एग्जेम्प्शन आपको बता दिया। लेकिन ट्रैवल करने के लिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि हमारा जो कोविड ई पास hp.gov.in जो वेबसाइट गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटेड है, वहाँ पर जाकर स्वतः अपने डिटेल्स फिल करें ताकि हमें ये पता चल जाए कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें। उतनी इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो ऑटोमेटिकली एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, वही एक्नॉलेजमेंट आपका पास है, किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसको लेकर हमने जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं कल से हम चेकिंग भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग तो एक्नॉलेजमेंट लेकर आ रहे हैं उनको तो हम डायरेक्ट एंट्री करवा सकें, जो लोग नहीं भी लेकर आ रहे हैं हम उनका थोड़ा सा डेटा लेंगे ताकि हम उनको बेटर मॉनिटर कर सकें। हमारी कोशिश है कि बॉर्डर्स पे कोई हरास ना हो, कोई परेशान ना हो और जो टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं उसके अनुरूप भी लोगों का क्वारंटीन पीरियड हो ताकि आने वाले समय में किसी को असुविधा न हो। मेरी तरफ से इतना ही था, आपके माध्यम से कोई